सिंधरी के निकटवर्ती धनवा ग्राम पंचायत के मुंजियों की प्याऊ रामदेव मंदिर के पुजारी हरिराम महाराज की हत्या के मामले में श्रद्धालुओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को श्रद्धालुओं ने पुलिस व प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि 10 अगस्त तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो समाधि में से संत की पार्थिव देह निकालकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सिंधरी की धनवा ग्राम पंचायत के मुंजियों की प्याऊ स्थित रामदेव मंदिर में पुजारी हरिराम महाराज की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही है। पुलिस की ओर से 11 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से श्रद्धालुओं में आक्रोश है। इसको लेकर श्रद्धालुओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। दरअसल 25 जुलाई की रात अज्ञात हमलावरों ने मंदिर में पुजारी की हत्या कर दी थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए श्रद्धालुओं ने पुजारी का शव उठाने से इनकार कर दिया था। इस पर पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर श्रद्धालुओं को शांत किया था। इसके बाद श्रद्धालुओं ने संत को समाधि दे दी थी, लेकिन हत्या के 11 दिन बाद भी पुलिस खाली है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर श्रद्धालुओं में भारी रोष व्याप्त है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को कल्बी समाज के लोगों व साधु संतों ने कल्बी समाज भवन से सिंधरी के मुख्य बाजार होते हुए मौन जुलूस निकाला। जुलूस उपखंड कार्यालय में पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी गई कि 10 अगस्त तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो संत की पार्थिव देह को समाधि में से निकालकर प्रशासन की चौखट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन देने के बाद कल्बी समाज भवन में सभा का आयोजन किया गया। हमारे एक आज से मतलब 26 तारीख को एक मैन जी की कोई मर्डर हो गया था, ग्राम पंचायत धनवार रामदेव जी की पुजारी थी, जिस मैटर में हमने एक दिन लाश को रोक के रखा था। तब पुलिस प्रशासन एडिशनल SP साहब खुद आए और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि 7 दिन में आपकी कार्रवाई की जाएगी। फिर 10 दिन बीतने के बाद में भी हमने आज SDM को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम का, और जिला कलेक्टर साहब को भी दिया है और SP साहब को भी दिया है। यदि हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो हमने वहाँ गाँव के बुजुर्ग, आज 1200 लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ये निर्णय लिया है 10 तारीख इनको दी है। 10 तारीख को ये नहीं हुई तो मैन जी की समाधि खोद के लाश को वापिस पुलिस थाना के आगे रख के धरना दिया जाएगा। कलेक्टर साहब ने क्या जवाब? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका 10 तारीख से पहले पहले आपका खुलासा करवा देंगे। इधर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने के दौरान मीठा महंत, उम्मेदगिरी पायला महंत, राम भारती, राजाराम आश्रम के नगाराम महाराज, दूध डेयरी के अध्यक्ष भीखाराम, पूर्व सरपंच प्रभुराम सहित कई लोग मौजूद थे।